सो दोस्तों ये है मेरी गाड़ी, जैसे आप देख पा रहे कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मैल लगा हुआ है, बहुत ही पुरानी स्टाइल की गाड़ी लग रही है और देखने में बहुत पुरानी लग रही है। और यही मेरी देखिए ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है, सेम गाड़ी है 2015 मॉडल की और आप लोग देख सकते एकदम ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन में ये बाइक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, अपनी जो बाइक है, मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। सो इस वीडियो में मैं आपको सभी दिखाऊंगा कि आप अपनी बाइक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एकदम कैसे शाइनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बाइक और आप लोग मेरी बाइक देखिएगा, बाइक कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। और सबसे पहले तो मैं इसका अभी डिस्क ब्रेक बनाया, जो उसका रियर डिस्क ब्रेक है वो ख़राब हो गया है और अभी सबसे पहले मैं वही बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद गाड़ी को पूरा साफ़ करूँगा, धोऊँगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी गाड़ी की जो शाइन है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसमें मैं टोटल आपको 2-3 प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट हैं और आप लोग भी अगर परचेस करते हैं वो सब प्रोडक्ट तो आपकी गाड़ी का जो शाइन है वो हमेशा सालों साल मेंटेन रहेगा। अभी सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी पुरानी बाइक्स। सो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग मेरी बाइक देखिए, ये मैं अभी फिलहाल सबसे पहले मैं वॉश करने के लिए कहूँ कि ताकि मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी पूरी तरह से वॉश हो जाए। और यहाँ पे आप लोग रिम देख सकते हैं, टायर देख सकते हैं कितना ज़्यादा मटमैला, बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है, मतलब सारे जगह पर धूल लकड़ है। आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते कितनी ज़्यादा गंदी गाड़ी होती है और ये बारिश के सीज़न में भी आपको इस तरह का गाड़ी देखने मिल जाएगा और कितनी ज़्यादा मटमैली हो गई गाड़ी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं अभी आप लोग दिखाऊँगा कि किस तरह से मैं इसको वॉश कराता हूँ और सारे कुछ प्रोसेस आपको दिखाते रहूँगा बीच बीच में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से एक जस्ट नॉर्मल वॉश करा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी अलग से वॉश नहीं करा रहा हूँ, पानी जो शैम्पू वाला नॉर्मली जो वॉश करते हैं उसी स्टाइल में अपनी गाड़ी को मैं वॉश करा रहा हूँ। और आप लोग देखना किस तरह से ये गाड़ी वॉश होती है और इसके बाद जो शैम्पू का यूज़ होगा वो नॉर्मल ही, जो आप लोग कहीं गाड़ी धुलने जाते हैं जो वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से मैं इसको कपड़े से धो के पूरी तरह से यहाँ पर साफ़ कर देता हूँ और मतलब कोशिश करता हूँ जितना भी मैल मिट्टी लगा वो सब कुछ यहाँ पर निकल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरी गाड़ी धुल चुकी है लेकिन यहाँ पे अभी भी उतना ज़्यादा शाइन नहीं है, अभी भी तो जो गाड़ी का कलर है वो थोड़ा ग्रेश कलर का है और एकदम शोरूम कंडीशन के जैसे यहाँ पे शाइन नहीं कर रहा है। और दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से इसको मैं एक बेहतरीन शोरूम कंडीशन शाइन। तो दोस्तों ये है इसका पूरा कंप्लीट किट जिसको आप यूज़ करके अपनी गाड़ी को अच्छे खासा मेंटेन कर सकते हैं, हमेशा शाइन मेंटेन रहेगा और अपनी बाइक का अच्छा खासा ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये ब्रश, ये ब्रश एक्चुअली चेन क्लीन करने के काम आता है और काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी है, मात्र 50 रुपये का है और इसका जो परचेज लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, जैसे आप यहाँ पर ग्रूव्स देख पा रहे हैं इसके बीच में चेन फंसा के क्लीन कर सकते हैं और मैं दिखाऊँगा आपको वीडियो में किस तरह से अपन इसको यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद चेन के बाद आता है ये चेन क्लीन, इसको लगा के आप चेन को जितने भी जैसे बारिश समय में इसमें पूरा मिट्टी जम जाता है तो इस स्प्रे को अगर आप यूज़ करेंगे तो पूरा मिट्टी निकल जाएगा और प्रॉपर्ली आपका चेन क्लीन होगा। और उसके बाद चेन जब क्लीन हो गया उसके बाद आपको उसको ल्यूबिंग भी करना पड़ता है जिसके कारण आपका जो अच्छे से गाड़ी परफॉर्मेंस देती है, तो आप लोग इस स्प्रे का यूज़ करते हैं जो कि चेन ल्यूब जो मोटुल का है। ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही अल्टीमेट है, मैं बहुत सालों से इनको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे गाड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद आए अभी तो हमने चेन का ख्याल रख लिया, उसके बाद आता है गाड़ी की चमक को कैसे मेंटेन करें। सो ये जो मोटोमैक्स एक शाइनर है, काफ़ी अल्टीमेट शाइनर, इसका जो सेंट है वो भी बहुत अच्छा है और इस प्रोडक्ट को भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। और जितने भी मैं प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ सबकी परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग परचेस कर लीजिएगा, ये भी बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अभी मैं जैसे मैंने अपनी गाड़ी वॉश कर लिया है उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा जब इस स्प्रे को लगाऊँ तो मतलब जो गाड़ी का जो कंडीशन है पूरा एज अ शोरूम कंडीशन जैसा हो जाता है, बिल्कुल नया बिल्कुल शाइन आ जाता है। और जो ये लास्ट प्रोडक्ट जो ये जो प्रोडक्ट है ये है टायर शाइनर, क्योंकि अगर आप 2-3 साल गाड़ी यूज़ करने के बाद जो टायर का जो रंग होता है वो थोड़ा थोड़ा फेड होना चाहिए, थोड़ा ग्रेइश हो जाता है, सो उस टायर को अपन प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए अपन को एक टायर शाइनर का भी यूज़ चाहिए। सो ये टायर शाइनर और यहाँ पर आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ये हाई शाइन से बचाता है और सन रे प्रोडक्शन है और एसिड रेन प्रोडक्शन है और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे देख सकते शाइन डस्टर और प्रोटेक्टिव कोटिंग शील्डिंग फ्रॉम सन एंड रेन, ऑयल फ्री है, सबसे अच्छी बात ये ऑयल फ्री है क्योंकि ऑयल डालेंगे तो आपके टायर फिसलेगा, सो ये ऑयल फ्री है और बहुत ही अच्छा है। इसका भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा किस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है। सो ये बेसिकली इतने सारे प्रोडक्ट है जो कि अगर आप यूज़ करेंगे अपनी गाड़ी में तो आपकी गाड़ी का जो मेंटेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहेगा और जो कलर शाइन है वो हमेशा एज अ ब्रांड न्यू या तो शोरूम कंडीशन के जैसा रहेगा। सो अभी पहले मैं इस जाता हूँ आपको गाड़ी दिखाता हूँ मेरी गाड़ी, जैसे मैं आपने देखा है गाड़ी को मैंने वॉश करवा लिया है, अब एक एक चीज़ एक एक करके मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन सी चीज़ें किस तरह से आपको यूज़ करनी है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी पूरी तरह से धुल चुकी है और आप लोग दिखाता हूँ धुलने के बाद काफ़ी ज़्यादा हद तक ये पूरा साफ़ हो गया, लेकिन अभी आप लोग टायर देखो, टायर अभी भी ब्राउन है। तो अभी सबसे पहले हम लोग उसके टायर को चमकाएंगे और मैं अभी ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वैक्सपुल का टायर शाइन और आपको दिखाता हूँ उसका यूज़ कैसे करना है। यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसको थोड़ा सा दूर से आपको सिर्फ टायर्स में स्प्रे करना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रे करना है, इस तरह से स्प्रे कर रिम्स में भी आप स्प्रे कर सकते हो
और उसको सिर्फ आउटर सरफेस में ही आपको स्प्रे करना है, मिडिल वाले सरफेस में आपको स्प्रे नहीं करना है। इस तरफ में भी मैं स्प्रे करता हूँ, इस तरह से स्प्रे कर दीजिए इसको। इसको आप मडगार्ड फ्लैप्स में जो जो छोटा छोटा मटेरियल है वहाँ पे भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। सेम मैं इस तरफ भी लगाता हूँ, टायर के जो कोना है यहाँ पे मैं इसको लगाना है इसको, और इसको इसके बाद थोड़ी देर पूरी तरह से फैलाना है इसको। ये देखो इस तरह से अपन फैला दिए पूरे टायर में। अब इसको रगड़ना है बेसिकली, पहले तो रगड़ने के लिए कैसे कपड़ा ले लीजिए, उसको सिर्फ ऐसे टायर में रगड़िए, देख लीजिए कितना ज़्यादा शाइन बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल ही नया शाइन चमक रहा है। और अभी मैंने जस्ट एक फर्स्ट ही कोटिंग लगाया है, इसके बाद एक और कोटिंग लगाऊंगा उस तब आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से शाइन होता है यहाँ पे। और इसकी जो शाइन बोलते हैं 2 से 1 हफ्ते तक पूरी बरकरार रहती है, अगर बारिश वगैरह नहीं हो तो 1 हफ्ते तक इसके शाइन मेंटेन रहता है। मैं आपको पूरा लगा के इसका पूरा वीडियो दिखाता हूँ फिर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने सिर्फ एक ही कोटिंग की है और कितना ज़्यादा शाइन बढ़ गया है। और पूरा रिम्स, आप इस प्रोडक्ट को रिम्स में भी यूज़ कर सकते हो और टायर के साइड साइड पोर्शन में भी यूज़ कर सकते हो। सो देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे शाइन बढ़ गया। मैं पीछे टायर का भी शाइन दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा शाइन हो रहा है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसे यहाँ पे रिम हो गया है। और टायर का कलर भी आप लोग देखिए ब्लैक हो गया है। अब इसके अलावा हम अपन एक और एक्स्ट्रा कोटिंग मारेंगे ताकि जो शाइन है वो पूरी तरह से मेंटेन। मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह से दिख रहा है ब्लैक, ये भी आप लोग ब्लैक देख सकते हो। तो दोस्तों आप देखो इसका शाइन किस तरह से शाइन कर रहा है, टायर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू हो गया है, पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन से चमक रहा है। और पीछे का भी टायर देखो, इसकी जो रिम्स देखो किस तरह से शाइन कर रही है, आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा न्यू का, और ज़रा से भी ऑयली ग्रीसी नहीं है कि आप लोग देख सकते हो हाथ में मेरे, कुछ भी ग्रीस वगैरह नहीं लग रहा है। तो इस तरह का एक प्रोडक्ट है ये, पूरा चमक गया। देखो टायर पीछे का टायर देखो, तो ब्रांड न्यू कंडीशन से टायर हो गया, इवन जो उसका रिम्स है वो भी चमक गया। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है अगर आपको टायर को मेंटेन करना है। बारिश में यूजली गंदा तो देख सकते हैं, किस तरह से आपका ये टायर को प्रोटेक्ट करेगा और काफ़ी ज़्यादा न्यू लुक दे देगा आपको टायर को। सो दोस्तों अब टायर तो हमारा चमक गया, अब आते हैं इसके बॉडी के पार्ट्स में। सो इसके बॉडी भी अपन को चमकानी है। सो इसको बॉडी चमकाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो मोटोवैक्स का शाइनर, इसको भी सिंपली आपको बस स्प्रे करना है। जैसे मैं स्प्रे कर रहा हूँ इसको भी हर जगह आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद कुछ देर इसको छोड़ना है और उसके बाद इसका जादू देखना कितना ज़बरदस्त ये भी प्रोडक्ट है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कर देगा गाड़ी को, देखना आप लोग। बस इसको स्प्रे करते जाइए, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, वो दूर से स्प्रे करना है ताकि इसका जो छिड़का है जो छिड़कता है ये प्रॉपर ही सारे जगह पे लग पाए। इसको रिम्स वगैरह यहाँ लाइट्स सारे जगह पे आप लोग स्प्रे कर दो और कुछ देर अब इसको रोकना है। सो आप लोग देख सकते हो अभी मैंने स्प्रे कर दिया लगभग सारे जगह पे। इसको आप डैशबोर्ड में स्प्रे कर दो, देखिए इसको सारे जगह मैंने स्प्रे कर दिया है। अब एक कपड़ा लेके इसको हर जगह से आपको धीरे धीरे इसको रब करना है, इसको तब तक रब करना है तब तक देखिए शाइन नहीं आ जाती। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने हर जगह पर लगा दिया है, इस तरह से आप सबको इसको लगाना है। पूरी गाड़ी में मैंने स्प्रे कर दिया है और फ्रंट से भी देखो इधर भी मैंने स्प्रे कर दिया, सारी जगह मैंने स्प्रे कर दिया है। अब आपको कुछ इस तरह का क्लॉथ लेना है, ये क्लॉथ माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये प्रॉपर आप गंदगी को साफ करके निकालेगा। और अगर आप सभी को ये क्लॉथ भी परचेस करना है तो इसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही यूज़फुल है, काफ़ी जल्दी सूख जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये पानी घींच भी लेता है, तो बहुत ही अल्टीमेट ये प्रोडक्ट है। सभी मैं इसको धीरे धीरे से रब करूँगा, आपको रब करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, एक तरफ लेके इसको ऐसे रब करिए। आप देख सकते हैं किस तरह से पहले मैं इसको फैलाऊंगा, पहले आपको डायरेक्टली रगड़ना नहीं है, पहले इसको सारी जगह फैलाना है, जो आप इसमें पेस्ट लगा उसको फैलाना है इस तरीके से, जैसे सारे जगह पर इसको फैला दो पहले और 5 मिनट को छोड़ दो। 5 मिनट के बाद आपको इसी तरह से इसको टाइटली रब करना है सभी पर, पूरी बॉडी पे पहले इस तरह से पहले लगा लेता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ। सो अभी मैंने ये स्प्रे को सारे जगह लगा दिया और थोड़ा सा फैला दिया और आप लोग देख सकते हैं अभी से ही इसमें थोड़ा बहुत शाइन आना चालू हो गया है। आपको इधर से भी लुक दिखाता हूँ मैं, देखिए किस तरह से चमक रही है ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी बन गई है, देखिए कितनी ज़्यादा चमक रही है। अभी मैंने इसको रगड़ा नहीं है उसके बावजूद इतना ज़्यादा शाइन आ गया है। अभी सेम आपको वही कपड़ा लेके इस कपड़े से दोबारा इसको रगड़ना है। कैसे रगड़ना है, ऐसा करके धीरे धीरे रगड़ना है आपको जब तक शाइन नहीं आ जाता। सो दोस्तों चेन क्लीन करने के लिए जैसे मैंने बताया कि मोटर का ये चेन C1 आता है, चेन क्लीन, इसको पहले शेक कर लीजिए और अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के थोड़ा दूर से संभल के आपको इसमें स्प्रे करना है। इसे देखिए मैं किस तरह से स्प्रे कर रहा हूँ,
इस तरह से आपको स्प्रे करना है इसके पूरे चेन में। तो जितने भी गंदगी है ये निकल के बाहर आना चालू हो जाएगी। कितना ही स्प्रे करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है आपको। और आप लोग देखिए कुछ देर में किस तरह से पूरा कचरा निकल के बाहर आ जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे भी स्प्रे कर लीजिए। इतना ही सब स्प्रे करना है। आप धीरे देख सकते किस तरह से इसके जितना भी कचरा है सब धीरे धीरे यहाँ पे अपने आप निकलना चालू हो जाएगा। इसको प्रॉपरली घूमने दीजिए कुछ देर तक, एक दो मिनट तक घूमेगा तो ये पूरा जितना कचरा है उसे निकल जाएगा। अब जितना कचरा निकलने के बाद आपको ये ब्रश यूज़ करना है और ब्रश को इसको प्रॉपरली ऐसे घसना है। इसे करके घस घस के आपको पूरा चेन क्लीन करना तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मैं दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। चेन क्लीन सारी जगह लग गया है। अब आपको ये ब्रश लेना है और पूरा इस चेन को रगड़ना है। आप लोग देख सकते हैं इसमें तीन खांचा है, पूरी तरह चेन में फिट होता है। और प्रॉपरली इसको ऐसे रब कर घुमा घुमा के आपको रब करना है। क्लीन होने के बाद आपको चेन ल्यूब करना है और आप ये मॉड्यूलर सीटी यूज़ कर सकते हो चेन ल्यूब, और इसको भी सेम उसी स्टाइल में आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करना है इसे प्रॉपरली स्प्रे हो जाएगा। और कुछ देर तक इसको आपको ऐसे ही रोटेट होने देना है और छोड़ देना है ताकि प्रॉपरली चेन में ये लग जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मेरी गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से शाइन कर रहा है। जब मैंने टायर का शाइनर यूज़ किया आप देख सकते हैं किस तरह से रिम यहाँ पूरी तरह से चमक रहा है। और इवन जो टायर का कलर है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। इवन उसका जो मडगार्ड में देखिए किस तरह से शाइन हो रहा है। एक ओवरऑल बॉडी का डिज़ाइन देखिए बहुत ही अल्टीमेट है यार। ये 2015 की गाड़ी है, 2019 हो गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी मेंटेन है। अभी भी लगता है ये एकदम शोरूम से निकली हुई गाड़ी, क्योंकि इसमें जो पेंट का चमक है वो अभी भी बिल्कुल ही नया बरकरार है और बहुत ही अल्टीमेट। मैं बहुत सालों से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन मैंने किया है अपनी गाड़ी को। और आप लोग शाइन भी देख सकते हैं किस तरह से एकदम मिरर के साथ शाइन करता है, बहुत ही अच्छा ब्लैक कंडीशन में आता है। और ये ऐसा नहीं ये ब्लैक में यूज़ कर सकते, आप कोई भी कलर की गाड़ी हो उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि सिंपली ब्लैक ही गाड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी अदर कलर की गाड़ी भी है, मैट सरफेस है, जो भी सरफेस है, आप इस प्रोडक्ट को सारे जगह भी यूज़ कर सकते हो। और मैं आप सभी से यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप वॉश करो उसके बाद आप लोग प्लीज़ इस स्प्रे का इस्तेमाल जरूर करो। और इस स्प्रे को आप लोग डैशबोर्ड में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में भी पूरी तरह से प्रॉपरली शाइन है। और इवन इसका फ्यूल टैंक में आप लोग देखो किस तरह से चमक रहा है, बहुत ही मज़ा आता है यार। और इसके बाद जब आप रोड में लेके निकलोगे अपनी गाड़ी तब तो आप लोग पब्लिक का रिस्पांस देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा क्योंकि पब्लिक देखती है कि नई नई गाड़ी लग रही है, इस तरह का फीलिंग आती है। तो दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इन सारे प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप लोग इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करिए। और अपनी गाड़ी को अगर मेंटेन करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी आपकी गाड़ी आपके साथ सालों साल साथ देगी। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।